में और हिमाचल प्रदेश में नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये जो नारी शक्ति वंदन के कार्यक्रम है हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 कार्यक्रम हो रहे हैं। हर कार्यक्रम में 500 से लेके 1000 बहने, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने, महिला मंडलों की बहने और साथ ही हमारी जो महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी है वो बहने एकत्र आकर के आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को सुनेंगे। 11:30 बजे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश के 1000 स्थानों को एक साथ संबोधित करने वाले हैं और माफ करना 10,000 स्थानों को एक साथ संबोधित करने वाले हैं और बंगाल से ये संबोधन हो रहा है। यानी नारियों के लिए, बहनों के लिए, महिला शक्ति के लिए किस प्रकार की डिवोशन माननीय प्रधानमंत्री जी की है वो इससे स्पष्ट दिखाई देती है। और भारत के इतिहास में पहली बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे एमएलए हो एमएलसी होंगे इनके अंदर 33% बहनों को आरक्षण दिया गया है जो वर्षानुवर्ष राजनीति का हिस्सा बाकी पार्टियों ने बना करके रखा। और इतना ही नहीं बहनों को सशक्त करने के लिए लखपति दीदी के नाम से 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। ड्रोन दीदी के नाम से हजारों बहनों को ड्रोन दीदी के रूप में बनाया जा रहा है। 33 करोड़ बहनों को और उनके कार्य विस्तार के लिए सक्षमता के लिए लोन की स्वीकृति कराई गई है। ऐसे करते करते उनको मजबूत किया है। 3 करोड़ बहनों के नाम पर, गरीब बहनों के नाम पर पक्के मकान दे करके उनको मकानों का मालिकाना हक दिलाया है। यानी भारत की बहनें मजबूत होंगी तो भारत मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। इस कदम को लेकर के आज आप देख रहे हैं कि नाहन के अंदर जो 68 कार्यक्रम है उनमें से एक नाहन में कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम को आदरणीय सुरेश कश्यप जी संबोधित करेंगे, हमारे लोकप्रिय सांसद। मैं भी उसमें रहने वाला हूं। तो इस प्रकार देश आगे बढ़ेगा क्योंकि माननीय मोदी जी ने लक्ष्य रखा है बहनों को आगे बढ़ाने का। एक ही स्टेट का विषय आ गया, एक और स्टेट का जी नेक्स्ट वीक हिमाचल प्रदेश के विकास में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का जो योगदान है वो अविस्मरणीय और कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप चलिए यहां से, कितना भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। कीरतपुर से बिलासपुर तक पहुंचते पहुंचते 4-5 घंटे लगते थे, आज कीरतपुर से और बघेड़ तक पहुंचने के अंदर केवल 35 मिनट लगते हैं और कीरतपुर से बिलासपुर हम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये करिश्मा केवल मोदी सरकार का है। अनेक अनेक टनल बना करके, झील के ऊपर पुल बना करके उस रास्ते को छोटा किया है। इतना ही नहीं, जो कीरतपुर से मनाली तक की 4 लेन का काम है तेज गति से चला है। इसी तरह से पठानकोट से और मंडी का 4 लेन का काम तेज गति से चला है और मटौर से शिमला का 4 लेन का काम तेज गति से चला है। आने वाले दिनों के अंदर ये हिमाचल प्रदेश 1-1.5-2 घंटे के अंदर
और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त होने वाला है। परंतु पिछले कल जो भारत के माननीय और भूतल परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने माननीय मोदी जी की ओर से हिमाचल को जो सौगात दी है, 1,00,000 करोड़ रुपए की सड़कें आने वाले 1 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत होने वाली है। 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवे का काम पहले हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, जिसमें कालका से शिमला, शिमला से और ढली का काम है, जिसके अंदर पिंजौर से नालागढ़ का काम है। अनेक अनेक सड़कों के सर्वे चले हुए हैं, जिसके अंदर कुमारहट्टी से नाम से पौंटा, काला आम से पौंटा और पौंटा से फिर देहरादून का काम चला है। इसी तरह से हम देख रहे हैं काला आम से लेकर के और अंबाला तक 4 लेन का काम चला है। ये सारी सड़कें हिमाचल प्रदेश को एक नया आयाम देने जा रही हैं और 1,00,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज पिछले कल माननीय नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया है, वो हिमाचल के भाग्य बदलने वाला है, हिमाचल को एक नई और दृष्टि और नया विकास दिखाने वाला है। और यहां आकर के कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार की पोल खुल जाती है, जो लगातार बोलते रहते हैं हिमाचल को कुछ नहीं दे रहे, हिमाचल को कुछ नहीं दे रहे, अपने आप ना काम करते हैं ना करने देते हैं, ना वो हिमाचल का भला चाहते थे ना चाहते हैं। और आज फिर दोबारा उन्होंने काठ की हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। 2022 के चुनाव के अंदर एक बड़ा भारी झूठ बोला, 10 गारंटियों का झूठ बोला, 14-15 महीने में बेनकाब हो गए। अब 24 का चुनाव आ गया, चुनाव आने से पहले घोषणा कर दी, हम हर बहन को 1,500 रुपया देंगे। अरे हर बहन को 1,500 रुपया देंगे, अभी तो बजट पास हुआ है, 5 दिन पहले बजट पास हुआ, उसके अंदर फूटी कौड़ी नहीं रखी उसके अंदर बहनों के लिए। और बजट से बाहर निकल के तुमको स्वप्न आया बैठे बैठे और जाकर के मीडिया के सामने घोषणा कर दी, क्योंकि इनको मालूम है पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, अब ये हांडी चढ़ानी पड़ेगी। परंतु ये ध्यान नहीं रहा इनको कि ये काठ की हांडी है, दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की बहने इस बार सीधा सीधा बदला लेने के मूड के अंदर दिखाई दे रही हैं, और तुम कितना भी उनको और बरगलाने का प्रयास करेंगे, वो तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ कंधे से कंधा विकास के अंदर मिला के खड़ी भी दिखाई दे रही है, और जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल और केवल झूठ उसके आधार के ऊपर सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.केसरी।